हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं बेयर बर्ड। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग बिना सब्सक्राइब करे जाते हैं। तो यार, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी इसी तरीके से मोटिवेशन बनी रहे वीडियो बनाने के लिए। आज जिस प्रोडक्ट की हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ना, वो मैंने मंगाया है boatmode.com से अपनी टाटा नेक्सॉन के लिए। एंड आप सभी को पता होगा, आपने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। आप इसको बोल सकते हैं टाटा नेक्सॉन की बैजिंग। एंड ये मैंने परचेज़ किया है अभी बोटमो से। एंड अभी जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, 328 रुपीज़ इसका प्राइस कर दिया। एंड 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस भी हैं। तो यार, इसको मैंने थोड़ा सा पहले खोल लिया है, तो अभी वीडियो में आपके लिए खोलूँगा। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो यार, पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छे से करी है बोटमो वालों ने। एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बोटमो के साथ। ये मैंने अपने खुद के पैसों से ख़रीदा है अपनी नेक्सॉन के लिए। एंड आप देख सकते हैं, ये जो इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन है 328 रुपीज़ का, मैंने इसको परचेज़ किया है। आप देख सकते हैं, ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, ये ओरिजिनल टाटा का पार्ट है। एंड ये मैन्युफैक्चर भी July 21 में हुआ है। देख रहे हो आप कितने अच्छे से पैक किया हुआ है। एंड यार, इसको मैं फटाफट से निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो नेक्सॉन की बैजिंग जो आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी गाड़ी में। तो आप देख सकते हो, इस तरीके की है कुछ ये बैजिंग। तो चलो अभी ना इसको चल के लगाते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी में, और देखते हैं कैसा लग रहा है लगाने के बाद। तो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोगों को क्या कर लेना है कि जो हमारा बोनेट का फ्रंट वाला साइड है ना, जहाँ पे हमको ये नेक्सॉन की बैजिंग लगानी है, उसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। एंड मैं अपने केस में यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोफाइबर क्लोथ। एंड मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि इस पार्ट पे कोई भी डस्ट ना रह जाए, क्योंकि यार डस्ट होने की वजह से क्या रहेगा ना कि एकदम सही से नहीं लगेगा। एंड आने वाले टाइम पे ये इजीली निकल भी सकता है। तो सबसे पहले इसका रहता है कि हमको लगाना होता है एक्स। एंड ये जो टाटा का लोगो है ना, इसकी सीध में आप लोग एकदम एक्स लगाएं। एंड थोड़ा सा टाइम लेके लगाना यार, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, इन अल्फाबेट्स का जो ग्लू रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। एक बार ही चिपक गया तो वो फिर इजीली नहीं निकलेगा। एंड अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी गाड़ी का पेंट भी निकल सकता है। एंड यार, बाकी अल्फाबेट्स लगाने की एक छोटी सी ट्रिक है, ये मेरा एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। डेबिट कार्ड की जो लेंथ है वो है अप्रॉक्स 9.5 सेंटीमीटर। एंड यार, एकदम सारे अल्फाबेट्स के बीच में एकदम प्रॉपर गैप है 9.5 सेंटीमीटर का। तो यार, ये जुगाड़ आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। एंड यार, ये इतना कोई टफ टास्क नहीं है, आप इजीली इसको घर पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको लगाना है एक्स, देन उसके बाद ओ, देन ई, देन एन, दोनों साइड पे हमको लगा देना है। तो यार, आप लोग ये प्रोसेस इंजॉय करो। एंड देखो मैंने किस तरीके से इसको लगाया। बट मेरा एक ये सजेशन रहेगा कि यार, आप लोग ना थोड़ा टाइम लेके लगाना, क्योंकि अगर ये एक बार ही लग गया तो यार ये इजीली नहीं निकलता। तो मेक श्योर करना कि आपका जो काम है वो एक ही बारी में हो जाए अच्छे से। तो गाइज, ये लगा दी है मैंने नेक्सॉन की बैजिंग। एंड आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो यार देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। एक छोटे से अपग्रेड से यार जो हमारी नेक्सॉन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है। एंड यार, हमको कैसे पता लगेगा कि ये जो हमने नेक्सॉन की बैजिंग मंगाई है बोटमो से, ये ओरिजिनल है कि नहीं? तो यार, आपकी गाड़ी में जो पीछे बैजिंग लगी है ना, आप उसमें इसका ये जो कवर है वो लगा के देख सकते हो, एकदम परफेक्टली बैठेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे को पार्ट रिसीव हुआ है यार, वो ओरिजिनल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड शो योर लव टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।